हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों कोई भी इमर्सन रोड जो पानी गर्म करने का हीटर होता है वो जल जाता है या फट जाता है इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमर्सन रोड बहुत बुरी तरीके से जल गया है यहाँ से और ये अलग हो गया। दोस्तों ये रोड यहाँ से फट गई है तो इसके कारण, दोस्तों सबसे पहला कारण, इसका एकमात्र कारण जो है वो है बिना पानी के अगर हम रोड को चला देते हैं तो। जैसे कि दोस्तों हम भूल जाते हैं कि टप में पानी है या नहीं है, या पानी है तो बहुत कम है और हम रोड को वहाँ पर चला देते हैं, सो मेन पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं और तो दोस्तों वहीं पे यही हाल होता है रोड का, रोड फट जाती है। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी रोड बिना पानी के चलने पर ही फटेगी, पानी के अंदर कभी भी कोई भी रोड नहीं फट सकती है, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा क्या करना है, जो लेबल दिया हुआ होता है तो वहाँ तक आप हमेशा पानी रखें, ठीक है। जो लेबल दिया हुआ होता है रोड के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। दोस्तों वहाँ जहाँ तक पानी का लेबल रखना होता है वहाँ तक मैक्सिमम पानी रखना होता है, उसके नीचे रखेंगे तो दोस्तों यही हाल होता है जिस तरीके से दोनों रोड का हो गया। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं तो, अब इसको रिपेयर करना सीखते हैं। तो दोस्तों कोई भी रोड जो है इस तरीके से जल गया या फट गया, उसको सबसे पहले यहाँ से हम खोल लेते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको यहाँ से खोलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो पर पसंद आएगा तो वीडियो पर लाइक कर लेना। दोस्तों यहाँ से खोल के हम देखिए इस तरीके से अंदर से भी चल गया। तो दोस्तों एक चीज़ ये यहाँ पे देखने वाली ये है कि अगर अंदर से इस तरीके का हाल हो गया आपकी रोड का, मतलब यहाँ से जो कनेक्टर है इसके, जहाँ पे इसको कनेक्ट करना होता है मेन पावर सप्लाई से, यहाँ से ये जल गए, तो अगर यहाँ से जल गए तो, और अगर आपका रोड फट गया है आगे की तरफ से तब भी, दोस्तों एक ही तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से अगर रोड जल गया है तब भी एक ही चीज़ है, और जो रोड अगर जो कनेक्टर से जल गया है तो वो बात भी एक ही है, और अगर जो रोड बीच में से इस तरीके से फटा है तो दोस्तों कभी भी रोड फटेगा तो इस तरीके से। तो दोस्तों ये होता है जब ज़्यादा हीटिंग हो जाता है कभी, या अंदर पानी चला जाता है, जो नॉन वाटर प्रूफ रोड होते हैं उनमें अंदर पानी चला जाता है तो तब ये होता है। लेकिन दोस्तों जब नीचे से रोड फटेगा तो उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि आपने बिना पानी के रोड को ऑपरेट कर दिया, यानी कि बिना पानी के रोड को चला दिया है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब दोस्तों बात करेंगे इसको रिपेयर कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इन सारे रोडों का हाल जो हुआ है वो पानी की वजह से हुआ। तो दोस्तों इनको साइड करेंगे, देखिए इनको साइड करिए, ये हमारे इसके कैप हो गए, जो कैप नट बोल्ट वगैरह जो इसमें निकले थे, इसके साथ में हमारी एक लीड होगी, ठीक है। ये जो मेन पावर सप्लाई देगी हमारे रोड को वो लीड हो गया इस टाइम। और दोस्तों इस तरीके का एक एलिमेंट आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी के साथ में, 60-70-80 रुपए का ही मिल जाता है बाट के हिसाब से। दोस्तों इसका रेट ऊपर नीचे होता है 10-15 रुपए, तो जितने बाट का आपका एलिमेंट पहले से है उतने ही बाट का एलिमेंट इस तरीके का आप ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको करना क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कनेक्टर है ना यहाँ पे, जो हम कनेक्ट कर रहे थे